माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मान लीजिए अमेरिका में किसी के घर पे लाइट चली जाए तो वो क्या करता है, पावर हाउस में फोन करता है। जापान में लाइट चली जाए तो वो अपना फ्यूज देखता है। हिंदुस्तान में जाए तो घर के बाहर आता है, पड़ोस में देखता है। इसकी भी गई ठीक है। जब साला पड़ोसी खुद अंधेरे में है तो अपन चिंता करें क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी वैसे किसी को आगे बढ़ने दे ही नहीं सकता। आप रस्ते में कार चलाओ और हिंदुस्तानी कोई भी किसी किस्म का पास में चल रहा हो, आप गाड़ी धीरे चलाओ, पास वाला जरूर ये पार्क है क्या, तेज चलाओ मरेगा साला, ठीक ठाक स्पीड में बराबर चला दो। अपने बाप से रेस लगाता है। हमें बचपन में सिखा दिया जाता है बिजनेस कैसे किया जाए। अच्छा जानवर भी हमारे राजस्थान का बहुत कमाल का होता है। एक आदमी बीमार पड़ गया, तो क्या मालिक बीमार था तो लेटा हुआ था, तो खिड़की के ऊपर उनका पालतू मुर्गा भी था। बीवी ने कहा कि देखो तुम्हें बुखार बहुत तेज आ रहा है, एक डॉक्टर ने कहा चिकन सूप पिला दूं तो ठीक हो जाओगे। तो मुर्गा वहां से बोला कि मालकिन एक बार क्रॉसिंग देख नहीं देख लो नहीं। ये आए एक बार वहां पे एक स्कूल में, सिरोही जिले के अंदर एक स्कूल के अंदर आए और एक केमिस्ट्री लैब में चले गए और जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और एसिड में डाला और बोला बच्चों बताओ ये सिक्का घुल जाएगा कि वैसा का वैसा रहेगा। बच्चे बोले साहब वैसा का वैसा रहेगा। तो बोले यार कैसे बताया? बोले अगर साहब घुल जाता तो आप अपनी जेब से नहीं निकालते। मेरे चाचा जी, उनकी प्रॉब्लम क्या है बेचारों की, उनके शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाता है। तो एक दिन सुबह ही सुबह आया मेरे पास, बोले मैंने कहा क्या रोटी, अरे मैंने कहा क्या मोटरसाइकिल, हाँ। तो मैंने कहा तो बाजार जाब, तो मैंने कहा तो एक आदमी दी धोती क्लच में फंस गई, तो मैंने कहा तो फाट गई, मैं क्यों कही, बोले धोती, मैंने कहा फिर, बोले उसकी धोती पटी, मैं जाने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, किधर, मैंने कहा क्यों, बोले धोती फटी है पैसे दे, मैंने कहा कितने की, बोले 70 रुपए की, मैंने 70 दिए, अब मैं जाने लगा उसने हाथ पकड़ लिया किधर, कुदर पहले वो जाने लगा मैंने हाथ पकड़ा, ऐसा होता है ना, तो वो मैं जाने लगा उसने हाथ पकड़ लिया, बोले धोती फटी है पैसे दे, मैंने 70 रुपए दिए, अब वो जाने लगा मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा किधर, बोले क्यों, मैंने कहा पैसे दिए धोती दे। अगला 700 दे के गया, मैंने कहा 700 क्यों, बोले खाली धोती पहनी थी। हिंदुस्तान में आदमी कोई बिजनेस करे कैसे? मेरे को मैं अमेरिका गया, बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने बनाया क्या? मैं जापान गया, बोले हमने सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया? चाइना गया, बना उन्होंने उसमें बैलेंस बना दिया, तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार क्या तेरे बाप ने किया था बता, ये हमारा आविष्कार, घंटी देके छोड़ दो, अगला टेंशन में करेगा तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा। ये हमारी भाषा का आनंद बहुत अलग है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चा था, वो किसी ने उसने पड़ोस के घर का कांच तोड़ दिया। अब कांच तोड़ दिया तो जिसका घर का कांच टूटा वो आया बाहर और बच्चे के बाप से बोला क्या कर रहा है, बोले अरे साहब छोड़ो तो गेल लो है, अरे बोले गेल लो है तो खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता, बोले इतो गेल लो छोड़िए। हमारे यहाँ लोग भी ऐसे हैं, एक प्रेमी कोई बेचारे का दिल टूट गया दुखी हो गया तो बैठा हुआ नदी के किनारे कंकर फेंक रहा है ऐसे खड़र खड़र खड़र, थोड़ी देर में एक मेंढक बाहर आ गया मारवाड़ का, अरे बोले थारी वाली के चक्कर में मारी वाली मातों क्यों बोड़े। यह आनंद हमारी भाषा का। वो जा रहे थे एक बंदर और तोता प्लेन के अंदर, अब तोता था हमारे राजस्थान का, वो भी जोधपुर साइड का, और बंदर था किसी भी प्रदेश का। तो जा रहे थे तो तोता और बंदर दोनों, अब तोता मारवाड़ का और बंदर था किसी प्रदेश का, तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट, बोले कुछ नहीं मजा ले तो। तो बंदर को लगा यार ये मजे, बोले ठीक है अपन भी बजाते थे, बंदर ने भी घंटी बजाई, आई एयर होस्टेस, बोले व्हाट डू यू वांट, बोले कुछ नहीं मजे ले रहा था। अब उसे आया गुस्सा, उसने तोते और बंदर दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा उड़ने आवे, बोले नहीं, बोले पछे मजा क्यों ले। तो मंगल भाई के चुनाव में भी जिस वक्त हम आ रहे थे तो एड्रेस आसानी से नहीं मिलता, तो किसी को मैंने पूछा भाई एड्रेस किधर, तो कागज हाथ में लिया यही, हाँ मैंने कहा यही कंफर्म, अरे मैंने कहा कंफर्म, बोले अच्छा सबसे पहले सीधी सड़क पकड़ने का, मैंने कहा सड़क पे चलने का क्या पकड़ने का,
बोले बीच में नहीं बोलने का, सबसे पहले सीधी सड़क पकड़ने का, फिर लेफ्ट मारना। मैंने कहा क्या मारना? बोले लेफ्ट मारना तो मंदिर गिरेगा। मैंने कहा गिरेगा तो जाएंगा कैसे? बोले बीच में नहीं बोलने का, लेफ्ट मारेगा तो मंदिर गिरेगा, राइट मारेगा तो मस्जिद गिरेगा। मैंने कहा मंदिर भी गिराएगा, मस्जिद भी गिराएगा, एड्रेस बताएंगा कि दंगा कराएगा? पूरी दुनिया के अंदर ये सिर्फ बंबई ऐसा शहर है जहां ऑटो वाले हैं ना और नहीं बजाते, आवाज नहीं देते। और मेरे यहां तो एरिया में खतरनाक लोग, साइकिल पे एक आदमी जा रहा था, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर लो क्या करेगा चांद, और क्या करेगी चांदनी। और हमारे पिताजी तो वैसे भी पिताजी किस्म के हैं, बहुत खतरनाक पिताजी हैं। पड़ोस एक भिखारी आया, बोला आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने आजमोला दे दी, पचा भी तो सही, यही करेगा क्या? मेरे चाचा जी तो और भी महान है, उनसे कोई अनाथालय के लिए कुछ मांगने आया, इन्होंने दो औलाद दे दी। शुरुआत करेगा कि नहीं करेगा? कहीं से स्टार्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? ये क्या खानदानी परंपरा? ये वीरस के जो छोटे मोटे कवि होते हैं, रात को भी वीरस जगता है, चिल्लाया अचानक, अरे मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, दी झापड़, पजामे के पायचे में दोनों टांग फंसा ली। और हमें कोई फंसा ले, उस रात पैदा नहीं हुए। मैं बैंगलोर से आ रहा था, ऊपर एक लेटा हुआ था ट्रेन में, नीचे तो चाचा भतीजा आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा ट्रेन की चेन खींच दे, वो बोले रुक जाएगी। बोले यही तो चेक करना है, रुकती है कि नहीं, तो सुनना रुकती है कि नहीं। तो बोले नहीं नहीं यार मैं नहीं खींचूंगा, झाला उसने लिखा हुआ 500 रुपये जुर्माना और अपने पास खाली 300 रुपये। उसने जेब चेक की, बोले 200 रुपये मेरे पास हैं, खींच ले, होगी जो देखी जाएगी। खींच ली साहब, ट्रेन रुक गई। वो तो गार्ड को पता चलता है, वैक्यूम आया डब्बे में, बोले किसने खींची, इशारा कर दिया मेरी तरफ। अब अपन मारवाड़ की माटी के लोग फंस जाए, उस रात पैदा नहीं हुए। मुझे उतारा, बोले खींची। मैंने कहा यस सर खींची। बोले क्यों? मैंने कहा लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास है, 200 इसके पास है। ये इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूँ, और आपने बहुत प्यार दिया मुझे, वहां पहुंचा दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन यकीन मानिए लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं, आप खुद क्या करते हैं, पैसे लेके काम करते हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक है पैसे लेके काम करता हूँ, लेकिन अपने आपसे एक वादा किया हुआ है मैंने। मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पर नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को ये कहना पड़े कि इसे मत देखना। और मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे इतनी फूढ़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बात में अभिवादन पे जय जिनेन्द्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि हम उस एक कार्यक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है, हम देश को संस्कृति दे रहे हैं। और फिर ऊपर से ये फेसबुक और व्हाट्सएप, आप जैसे कल्पना करो, जैसे मंजू दीक्षित है, इन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट पे कमेंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए कि आज मैं होटल से कार्यक्रम स्थल तक पैदल आई, तो अब नीचे कमेंट देखना लोगों के, ओ हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हैं आप, कितना बढ़िया, आप कितना सोचती हैं। अब यही कमेंट हरिओम पवार डाल दे, मैं होटल से यहां तक पैदल आया, तो थोड़ा चला भी करो, पेट कम होगा। बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चा पी रहा था सिगरेट, पिताजी आया जेब में डाल दी खट से, अब पिताजी आया सिगरेट पी रहा था, बोले नहीं, तो बोले धुआं कहां से निकल रहा है, बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। इस देश का कोई युवा जब सीमाओं पर शहीद होता है, तो मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो आदमी हमारे जोधपुर में एक आदमी तोता बेच रहा था, तोते की कीमत 20,000 रुपये, हमारी भाषा का आनंद देखना। तो किसी ने आके कहा 20,000 रुपये का तोता? बोला कमाल का तोता है साहब, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। तो उसने कहा चेक कर लूं, एक ने एक टांग उठाई, नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई हेलो हाउ आर यू, कोई पहुंच गया तीसरा, उसने कहा चेक तो करें, उनको पता ही नहीं तोता जोधपुर का, दोनों टांगे उठा ली। अरे तोता बोला गेल छप्पा पटके लग गई। आपको और मुझे क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का?
अगर रास्ते में हमारी गाड़ी में हम जाते हैं और हमारे पास कागज नहीं होते, हम पुलिस वाले को 200 रुपए देकर छूट के जाना चाहते हैं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? ट्रेन में मैं जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं होती, मैं 500 रुपए देकर सीट पे सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स के नाके पे ये कोशिश करता हूं कि किस तरह से 60 रुपए बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के घर जाता हूं और कहता हूं कि नंबर बढ़ा दीजिए, मिठाई का डब्बा ले लीजिए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब मेरी बैलेंस शीट बनती है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहता हूं कि पैसे कहां बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? रास्ते में कोई किसी महिला को छेड़ दे तो मैं रुक के देखता भी नहीं कि कौन तकलीफ में है, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं इतनी जल्दी में होता हूं किसी बुजुर्ग को रास्ते का पार नहीं कराता, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? कोई अधिकार नहीं है आपको और मुझे। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा।